सभी, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, सब मज़े में होंगे और सब खुश भी होंगे। तो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और आज का वीडियो जो है बहुत अच्छा होने वाला है। मैं मेरी तरफ से रोज़ कोशिश करती हूँ कि बेस्ट से बेस्ट, अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, कोशिश मेरी रोज़ यही रहती है। और बस थोड़ा सा ये हो जाता है, पता नहीं कौन से दिन मैं सफल हो जाती हूँ और कौन सा दिन मुझसे चूक हो जाती है कि आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती है। ज़्यादातर तो मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती ही आती है। और अब आप लोग ना मेरी थोड़ी सी लिप शेड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट देखोगे, थोड़ा सा मैं लाइट करके लगाती हूँ क्योंकि मुझे डार्क करके लगाने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, नहीं लगा पाती हूँ मैं। तो बस अभी हम थोड़ा सा मैंने अपनी लिप शेड अप्लाई की है और फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बात कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ में कुछ शेयर भी करना है। और हाँ, जैसे कि वादा किया था, इससे जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, तो कोशिश वही रहेगी इस वीडियो में। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। तो मांटू ने आज ना अपना, मैं आप लोगों को दिखाना ज़रूर चाहूँगी, मांटू ने आज अपना ये वाला फ्रॉक निकाल के रखा है और बोल रही है मैम कि मुझे ना ये रक्षाबंधन पे पहनना है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ये वाला फ्रॉक जो है ये उसको आएगा। छोटा है पर मुझे लगता है कि उसको ना इस बार रक्षाबंधन पे फ्रॉक ही चाहिए क्योंकि उसको लगी पड़ी है। और मैं चेक भी कर रही थी उसके पास में फ्रॉक हैं पर वो नहीं आएंगे उसको क्योंकि छोटे हो चुके हैं। और टचुड नज़र नहीं लगाना चाहूँगी, मांटू की तो जो थोड़ी सी हाइट है ना वो भी बढ़ रही है तो उस वजह से उसके सारे कपड़े जो भी है वो जो पहनती है वो भी छोटे हो रहे हैं। सो गाइज, मैं अभी इस वीडियो में आप लोगों के साथ में बहुत अच्छे प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। प्रोडक्ट ये मेरे पास में काफ़ी टाइम से थे बट पहले मैंने इनको यूज़ किया है और उनका रिज़ल्ट देखा है तब मैं आप लोगों के साथ में आज वो प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ जो कि सभी के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इन प्रोडक्ट की। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस का एंटी एजिंग फूजी माचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क। ये एक एंटी एजिंग फेस मास्क है जो कि रिपेयर करता है, मतलब होता है ना जब हमारी एज बढ़ने लगती है उसके साथ में हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ, बहुत सारी शिकायतें बढ़ जाती हैं उम्र के साथ साथ। तो ये एक एंटी एजिंग फेस मास्क है जो कि आपकी स्किन को रिपेयर करता है। वाओ स्किन साइंस का एंटी एजिंग फूजी माचा ग्रीन टी क्ले फेस मास्क जिसमें है माचा ग्रीन टी, ग्रीन मोन मोरीले नाइट क्ले, जजोबा ऑयल एंड सीहा बटर, जो कि हेल्प करता है एंटी एजिंग स्किन को रिपेयर करने में। 200 ml की इसकी जो है बोतल आती है। और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, नो पैराबिन्स, नो सल्फेट, कोई कलर इनमें ऐड नहीं होता है, नो मिनरल ऑयल। तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। क्या क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं वो सब चीज़ें पैक पर ही मेंशन की हुई हैं। ये पोर्स को क्लीन करता है, स्किन को क्लियर करता है, स्कार एंड रिमूव डलनेस, यूथफुल शाइन आती है। तो ऑल टाइप स्किन, सभी टाइप की स्किन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अभी इस फेस मास्क को अप्लाई कर लेते हैं और इसी के साथ में जो इस जिससे इसको अपने फेस पर अप्लाई करना है वो दिया हुआ है, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, 15 मिनट बाद अपना फेस वॉश करना है नॉर्मल पानी से। तो आप लोग देख सकते हो मेरा फेस कितना ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, सारे पोर्स क्लीन हो गए हैं और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है, ड्राई बिल्कुल भी नहीं। सेकेंड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सेकेंड प्रोडक्ट है यहाँ पर मेरे पास में, हम सभी को एक होता है ना मेकअप रिमूवर की ज़रूरत होती है क्योंकि हम सभी लेडीज़ मेकअप करती हैं, कोई ज़्यादा कोई कम हर। तो मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस कोकोनट क्लेरिफाइंग मिकलर वाटर। जी हाँ, ये एक ऐसा मेकअप रिमूवर है जो कि हर तरीके कोई भी ऑल स्किन टाइप इसको यूज़ कर सकता है फॉर कम्प्लीट क्लींजिंग मेकअप रिमूवल, मतलब अच्छे तरीके से आपके पूरे मेकअप को जो है अच्छे से रिमूव कर देता है।
तो ये है वाओ स्किन साइंस का कोकोनट क्लींजिंग मिसलर वाटर। ये आपके मेकअप को भी रिमूव करता है और फेस को क्लीन करता है, रिमूवर के साथ में क्लींजिंग भी करता है। फॉर कंप्लीट क्लींजिंग मेकअप रिमूवल इन्फ्यूज विद कोकोनट वाटर विच हेजल ग्रीन टी कुकुम्बर वाटर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नो पैराबीन्स नो सिलिकॉन्स नो मिनरल ऑयल। इसकी जो बोतल है वो आती है 200 ml की और आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से ये आपकी हेल्प करता है। रिमूव वाटरप्रूफ मेकअप, क्लियर अवे डेली डर्ट एंड इम्प्यूरिटीज़, रिफ्रेश एंड रिवाइव डल स्किन, बैलेंस स्किन एंड अवॉइड एक्ने, प्रोवाइड डीप हाइड्रेशन, इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, इवन आउट कॉम्प्लिकेशंस। तो किस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है, किस तरीके से ये वर्क करता है, सब चीज़ें जो हैं वो पैकेजिंग पर ही इंक्लूड की हुई है। आप अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ करके आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी जो बोतल है वो कुछ इस तरीके की आती है और इसको आप बैग में भी लेकर के जा सकते हो। आपको अपनी स्किन, आपने अगर मेकअप किया है तो आप इससे मेकअप रिमूव कर सकते हो। वैसे भी अगर आपको अपनी जो फेस है क्लीन कर रखना है, बिल्कुल स्किन क्लियर चाहिए, तो आप इसको बिना मेकअप भी यूज़ कर सकते हो। बस इसको सीधा आपको इसका कैप खोलना है और डायरेक्ट अपने जो फेस पर है वो स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद में कॉटन से इसको साफ़ कर देना है तो आपका फेस बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मेरा फेस जितनी जो डर्ट भी थी, जो गंदगी थी, वो भी साफ़ हो गई है। तो मैंने इसको वैसे भी यूज़ किया है, बहुत अच्छा मेकअप रिमूवल है। सबसे अच्छी बात ये है कि कोकोनट का है। और अब बात कर लेते हैं क्रीम की, तो ये है कोकोनट परफेक्टिंग क्रीम विद विटामिन ई, जो कि बहुत अच्छी है। कोकोनट ऑयल थ्री पेप्टाइड हाइनोनिक एसिड हेल्प्स हाइड्रेट एंड इवन आउट कॉम्प्लेक्शन। ऑल टाइप स्किन, आपकी किसी भी तरीके की स्किन है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, सारे इंग्रेडिएंट्स इस पर मेंशन किए हुए हैं, किस तरीके से आपको इसको इस्तेमाल करना है वो भी इस पर दिया हुआ है, देख सकते हो। शूट ऑल स्किन टाइप, सभी स्किन के लिए सूटेबल है। तो नो सल्फेट पैराबीन्स सिलिकॉन्स कलर, और इस पर आपको मिलता है एडवांस टेक्नोलॉजी एयरलेस जार। इसकी जो बोतल है वो कुछ इस तरीके की आती है। आपको इसको फिंगर से टच करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा आप इसको नीचे को दबाओगे तो क्रीम जो है वो बाहर आ जाएगी, जितनी आपको इस्तेमाल करनी है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, जब इस पंप से क्रीम बाहर निकलनी बंद हो जाए तो आप इसको खोल सकते हो। इसका जो प्राइस है वो है 599। और ये जो क्रीम है वो बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है, ऐसा नहीं होता है कि इसको लगाने के बाद आपका जो फेस है वो ऑयली ऑयली सा लगेगा। स्किन में बहुत अच्छे से जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी केकी केकी सा नहीं लगता है आपका फेस। इसलिए मुझे जो है वो ये वाली क्रीम बहुत अच्छी लगी है, मतलब चिपचिपापन नहीं रहता है इसको लगाने के बाद में। और ऑल टाइप स्किन के लिए है, ऐसा नहीं है कि अगर आप, मेरी तो स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है फिर भी मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ और बहुत अच्छा जो है मुझे इसका रिज़ल्ट मिला है। वाओ ने अपना एक न्यू ऐप लॉन्च किया है जिसमें आपको सारे प्रोडक्ट जो है वो एक साथ में ही मिल जाएंगे, जो भी वहाँ पर ऑफ़र चल रहे हैं वो भी सब कुछ आपको एक साथ में देखने को मिल जाएगा। सेकेंड चीज़ है QR कोड स्कैनर, जो कि आपका प्रोडक्ट है इस पर होता है एक QR कोड, आप इसको स्कैन करके ओरिजिनल प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। सेकेंड चीज़, इसको जब आप QR कोड को स्कैन करोगे तो इसमें आपको कुछ पॉइंट मिलेंगे, वो पॉइंट जो होते हैं उसको आप नेक्स्ट टाइम जब भी शॉपिंग करो तो उसमें यूज़ कर सकते हो। तो हो गया ना, एक तो आपको प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलेगा, सेकेंड चीज़ कुछ पॉइंट भी मिलेंगे जो कि आप सेकेंड टाइम उसको यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जब आप QR कोड को स्कैन करते हैं तो बिल्कुल आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलता है, और वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि नो पैराबीन्स नो सल्फेट और कोई मिनरल ऑयल नहीं, कोई कलर ऐड नहीं। तो इनकी प्रोडक्ट की सबसे अच्छी बात तो यही होती है। मैं सारे प्रोडक्ट को खुद यूज़ करती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, उनका रिज़ल्ट देखती हूँ। तो इन सब प्रोडक्ट के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको अच्छी क्रीम चाहिए, आपको अच्छा
आप कोई मेकअप रिमूवर ढूंढ रहे हो या फिर कोई फेस मास्क, एंटी एजिंग फेस मास्क ढूंढ रहे हो, तो सबके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो मैं अभी यहाँ का बाहर का जो सामान रखा हुआ है उसको थोड़ा सा समेट रही थी, और बाहर आप लोगों को थोड़ा सा गंदा सा लगता होगा पर ये बाहर काम चल रहा है तो उस वजह से ऐसा रहता है। और पौधे जो भी हैं मेरे उनको मैं यहाँ पर रख लूँगी। पौधों के बारे में भी बताती हूँ मैं अभी आपको कि मेरे पौधे इधर उधर क्यों ये टहलते रहते हैं, क्यों घूमते रहते हैं। एक कमेंट मुझे आया था, आप लोगों को पता ही है मुझे पेड़ पौधों से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा, होता नहीं है मैं बता नहीं सकती उतना ज़्यादा है। तो मैंने ना ये पौधे बाहर रखे हुए थे, तो मुझे एक कमेंट उसमें आया था कि आपने ये पौधे ऐसे कोने से में क्यों रख रखे हैं, जैसे कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। तो मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगी कि दीदी बहन जी, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि मुझे पेड़ पौधों से कितना प्यार है मैं बता नहीं सकती। ये पौधे मैंने बाहर इसलिए रखे हुए थे, जैसे कि अंदर रखे थे ना तो ये मुरझाने से लगे थे, और आपको पता ही आजकल मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, बारिश पड़ती है तो बारिश के पानी से पौधे जो हैं वो कितने अच्छे हो जाते हैं, तो इसलिए ना मैंने उनको बाहर रखा हुआ था। और मुझे उनका कमेंट बहुत हर्ट किया, क्योंकि जो होता है ना जब हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लगाव करते हैं और उसकी चीज़ के बारे में बोल दें, चाहे बच्चे ही क्यों ना हो, कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते या आप अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, तो वो चीज़ बहुत हर्ट कर जाती है। उसी तरीके से पेड़ पौधों का है, मैं पेड़ पौधों से कितना लगाव करती हूँ, जब वो मुरझाते हैं ना मतलब मेरा दिल टूट जाता है बिल्कुल, मुझे ऐसा होता है कि क्यों क्यों मुरझा रहे हैं। और ये पत्ते जब ये मुरझाने से लगे थे ना तो मैं इनको बाहर रख देती हूँ बारिश में, बहुत मेहनत लगती है बाहर रखो फिर उठाओ धूप में, धूप ना लग जाए इनको, तो वही सब चीज़ें मैंने सोचा चलिए ये भी चीज़ मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ आपसे। अभी जो मैंने सब्जी मंगवाई है उनको मैं वॉश कर दूंगी, और तोरी है, लौकी है, टमाटर है, और खीरे हैं, और इसमें प्याज है, और आलू मेरे पास में भी रखे हुए थे तो वो मैंने नहीं मंगवाए हैं, तो सब्जी को अच्छे से वॉश करके रख देंगे, और फिर जब मैं बनाती हूँ ना खाना एक बार तब भी वॉश कर लेते हो, तो डबल डबल तरीके से इनकी सफाई हो जाती है। और मुझे मावा भी बनाना है क्योंकि बाहर से भी नहीं मंगा सकती, तो सूखा दूध मंगाया था मैंने, मिल्क पाउडर ना, हाँ मिल्क पाउडर, और ये है गोले का बरूदा आधी किलो, ये आधी किलो, और थोड़े से काजू है, तो इसमें क्या लाएंगे, अच्छा, और ये है बादाम और थोड़े से मगज, और ये मंगवाई है पेठे की मिठाई, पेठे की मिठाई से मिठाई बनाएंगे एक अलग सी रेसिपी। ये कौन सा है, ड्राई पेठा, हाँ इतना पता, इतना नहीं पता अपने को, तो अभी जो है मैं इस वीडियो को और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी अभी, और जस्ट अभी अभी जो है हमें एक बहुत ही मतलब पहली बार हमने तो अपने उसमें सुनी है ये खबर, मांटू की कोई, हाँ टीचर है मांटू की, ऑनलाइन जो इनकी पढ़ाई वढ़ाई जो भी थी मांटू की वो सब कुछ देख रही थी, तो वो जो है वो कोरोना पॉजिटिव हो गई हैं, और बड़ा मतलब एकदम से वो हुआ, क्योंकि हमने तो हमारे उसमें तो मतलब अभी पहली बार ही हमने ये सुना है, और एक इनके दोस्त को भी हुआ था है ना, हाँ बट वो बिल्कुल ठीक हो गया, वो तो ठीक हो गए, एक इनके फ्रेंड थे उनको भी हुआ था पर वो शायद घर भी रह के ठीक हो गए हैं, हाँ, या हॉस्पिटल भी गए, हाँ वो भी ठीक, बट मतलब ये उनका कहना ये था कि मतलब ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे, हाँ हिम्मत रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक हो जाओगे, मतलब कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। पर हमने जो अभी देखो बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई सब ऑनलाइन ही चल रही है,
और अभी मैं मतलब एकदम से जब ये सुना कि मांटू की जो टीचर है वो भी कोरोना पॉजिटिव, तो सुनकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हुआ है कि ये तो किसी के भी साथ हो, सुनकर के बहुत दुख होता है, बहुत बुरा लगता है। सब अपने घर पर रहें, सेफ रहें, और ज़्यादा तो हो ही रहा है। आज बता तो रहे थे न्यूज़ में कि जब कोरोना कम था तो लोगों में डर ज़्यादा था, और अब कोरोना ज़्यादा है तो लोगों में डर कम है, बहुत कम है, मतलब डर ही नहीं है। इंडिया के लोग हैं ऐसे करते हैं। और जब कम था, जब मतलब इतनी बुरी वो थी, मतलब लोगों में डर इतना था, घर से बाहर नहीं निकलना कुछ नहीं, जब तो 500 ही केस आए थे, और आज इतने ज़्यादा केस हैं, तो लोगों में डर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। अभी ये वाला जो वीडियो है ना, वो थोड़ा सा आगे होना था, कंटिन्यू होना था, बहुत सारी चीज़ें हुई जिस वजह से हमें ये वीडियो यहीं पर क्विट करना पड़ रहा है। एक तो हमें वो सुन करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको भी आप लोगों से ना, इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें बहुत ज़रूरी ही बात शेयर करनी है, वही जो कई दिन तक मुद्दा चला है, संडे वाला वीडियो। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिस वजह से हमने जो है वो शेयर नहीं किया था। कल के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ, जो भी है, जैसा भी जो भी स्थिति है, जितना जो कुछ भी कहना है कल करेंगे। और हम उम्मीद भी करेंगे कि आप लोग समझोगे भी, क्योंकि उस फैमिली के मतलब ये नहीं है कि बड़े हैं हम, बड़े हमारे मम्मी पापा अंकल जी बाबा जी, बहुत लोग उस फैमिली में बड़े हैं, वो सब कुछ देखते हैं, हमें वो देखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। हम छोटी से छोटी, हम उनसे दूर रहते हैं ये बात है, पर उनके पूछे बगैर हम कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं है हम उनके बिना, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना पीछे से, तो हर चीज़ हम उनसे पूछते हैं क्या हमें ये। और जब बात आती है फैमिली की, तो देखिए उनके बारे में, हम दीदी के बारे में कोई भी बात करें तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव तो है ही, पर हमें अब लग रहा है कि हमें उसमें बात करनी चाहिए, थोड़ा सा क्लैरिटी जरूरी है, क्योंकि बहुत सवाल आ रहे हैं उस बात को लेकर के, आना था वीडियो, आना था, तो कल बात करेंगे जी, कल ही मतलब आप लोगों को शायद करेंगे, 1-2.5 बजे तक वीडियो, मैक्सिमम 1.5 बजे तक, उससे पहले हमारा वीडियो का शेड्यूल बहुत बुरी तरीके से बिगड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, भयंकर नेट की प्रॉब्लम है, बिल्कुल नेटवर्क नहीं आते, छत पे जाके 2-2 घंटे खड़े रहते हैं जब जाके एक वीडियो अपलोड होता है, तो ये भी एक वजह है। आजकल तो वीडियो का शेड्यूल बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, वरना मैं कोशिश करती हूँ कि 12, 12:30, 1 बजे तक, हद से हद 1 बजे तक अपनी वीडियो जो है वो निपट जाए। और देखिए जब तक वीडियो नहीं जाता है ना, टेंशन इतनी खतरनाक बनी रहती है, बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब रहता है, घर का काम नहीं हो पाता, क्योंकि हमें पता है एक वीडियो को रेडी करने में, आप लोगों तक पहुँचाने में कितना ज़्यादा टाइम जाता है, खोपड़ी घूम जाती है ये, मतलब खोपड़ी भिन्न जाती है। तो चलिए आप लोग वेट कीजिएगा, और जो भी मेरा मतलब जो मैं अपनी वीडियो में कुछ नया करने जा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ पूरी, वो भी आप लोगों के साथ में, इससे जो अगले वाली वीडियोस आएंगी शायद आपको सारी डिफरेंट वीडियो होंगी। परसों वाले वीडियो में हमारा लुक पे थोड़ा सा इनका मुंडन होगा, वो भी एक नया ही है, मतलब मैंने अब ठाना है सच में, मैं इस वीडियो में आप लोगों से यही शेयर करना चाहूंगी कि मैंने ठाना है कि मैं अपना आपको 200% दूं, चाहे बेशक मेरी कितनी मेहनत लगे, आप लोग देखते हो, आप लोग अपना टाइम देते हो, कीमती वक्त निकाल करके हमारी वीडियो देखते हो, अगर आपने उसमें कुछ अच्छा नहीं देखा, आप लोगों को पसंद नहीं आया, तो हमारी फिर मेहनत करने का क्या हुआ है, अच्छा भी तो लगना चाहिए। नहीं, परसों की या उससे अगली वीडियो में भी एक बहुत जरूरी बात पे बात करनी, जो भर भर के कमेंट आ रहे हैं, छक्के कमेंट आते हैं, छक्के, और बहुत ही तकड़े वाले कमेंट लोग करते हैं, लोगों को सच मालूम है फिर भी लोग कमेंट करते हैं, तो परसों के वीडियो में या उससे अगले वीडियो में मैं फिर से बात करने वाला हूँ किसी बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट पे, जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों तक पहुँचाना। तो और जिस टाइम ये वीडियो जा रहा है ना, वहाँ मेरा वीडियो कभी उस टाइम पे नहीं जाता, पर ये सब चीज़ें बताने के लिए, और ये मैडम वाली जो चीज़ थी, ये भी इसलिए कि आप सेफ रहें, अपने घर पर रहें, ख्याल रखें, क्योंकि आपसे आपकी फैमिली जुड़ी है, क्योंकि जब कोई नजदीक में हो जाता तो आपके अंदर एक डर, अजीब सा डर पैदा हो जाता है, वही हो रहा हमारे अंदर भी। मैं बहुत कुछ कर रही थी अभी ना, अभी मैंने बहुत कुछ सोचा था करने का, पर एकदम से सुनते ही ना एकदम खोपड़ी जो है वो दिमाग ब्लॉक हो गया। दूसरा जो है, सरकार का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं मैं तो, देखिए अभी स्कूल कॉलेज 1 महीना और बंद कर रहे हैं, हालांकि बहुत लॉस हो रहा है इससे, सरकार भी जानती है, लेकिन लोगों की सेफ्टी से ज्यादा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है इस टाइम पर, बहुत सारे टेंशन अराउंड द कंट्री चल रहे हैं आप सभी जानते हैं, फिर भी सरकार का जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है,
इसलिए आम आदमी की जिम्मेदारी बनती है पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कोरोना को रोकने के लिए सब साथ आएं, सारे नियम्स को फॉलो करें, बाहर जाएं तो मास्क वगैरह जरूर इस्तेमाल करें जो जरूरी है। दूसरों के बारे में नहीं सोचे कि ये नहीं कर रहा तो हम नहीं करेंगे। देखिए, आप सुरक्षित हो तो आपकी फैमिली भी सेफ है। अपने बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे। आप फैमिली के बारे में पहले सोचे और अपने बारे में बाद में सोचे तो आप खुद ही कुछ ऐसा नहीं करोगे। एक दिन मैं हॉस्पिटल में था तो किसी उसमें तो वहाँ करीब करीब 50 लोग मैंने ऐसे देखे जो पेशेंट के साथ थे जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था। ऐसी सिटी में जहाँ बहुत कोरोना है, वहाँ पे जहाँ लॉकडाउन लग रहा है, बड़ी सख्ती बरत रहे हैं, मैं कम से कम 20-30 लोगों को कह के मास्क लगवाया जो मेरे से पास आता था, मास्क लगाओ। तो हॉस्पिटल जैसी जगह जो ऑलरेडी प्रोन है, बहुत ही मतलब रिस्क जोन में आ रहा है, वहाँ लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं, ये सच में अपने आप में बहुत घातक है। सारी सुविधाएं फेल हो जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर हम लोग इस तरह से लापरवाही करेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं और आप लोगों से मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ में। इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।